तो देखिए सभी साथियों ने परिचय दे ही दिया है, तो मैं चूंकि अजंता जी से ही बात कल भी शुरू हुई थी और काफी कल वो कार्यक्रम में हम लोग शुरू नहीं कर पाए थे, तो मैं एक तो जानना चाहेंगे अजंता जी से कि क्या उनके इलाके के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं और क्या अभी उनकी तैयारी है इसको लेकर। अजंता जी मैं ये जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया चुनाव बंगाल, हाँ हाँ हुई, वेस्ट बंगाल में बहुत सारा मेन मुद्दा है कि आप तृणमूल का बराबर चल रहा है और तो उसका तो मेरा मुद्दा ऐसा ही होगा जो सोशलिस्ट पार्टी का जो मुद्दा है पीसफुल मास मूवमेंट और सोशलिस्ट पार्टी का जो अभियान हम लोग देखा है उसका मुद्दा में भी हम लोग एकमत हूँ। और जो जो आपका जो पूरा देश में आना चाहिए वो नीति मुद्दा मान के चलता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वोटिंग सिस्टम है उसमें हम लोग जब आएंगे तो हम एक सिस्टम पे आएंगे और सिस्टम पे आने के लिए एक चुनाव पे खड़ा होना जरूरी है। तो हमको जो सोशलिस्ट पार्टी जो हमको अपॉर्चुनिटी दिया इस चुनाव पे लड़ने के लिए इससे हम आभारी हूँ। सोशलिस्ट पार्टी के संदीप पांडे जी के पास मेरा जो कैंडिडेट चल गया दिया उस तरुण भाई का पास भी हम मैं आभारी हूँ क्योंकि वो मेरा कैंडिडेट अभी मैं लड़ाई का मैदान में खड़ा हूँ। मेरा दो अजंता जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो सौरभ जी जो है अगर मेरी बात सुन रहे हो तो अजंता जी की काफी बात आ गई है, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है और जो आप चुनाव लड़ रहे हैं किन मुद्दों के किन आधार पर लड़ रहे हैं, तो सौरभ भाई अगर बात हो सके तो बहुत बेहतर रहेगा। सौरभ जी शायद मेरा बात आपको सुन रहा है अभी आप जी सुन जी रहे हाँ आ रही हैं। आ रही आ रही आपकी आवाज आ रही। जी देखिए सौरभ जी बताइए। आज हमारे पास मुद्दा तो बहुत है, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो है करप्शन। चारों तरफ ये भ्रष्टाचार हमारा समाज को खोखला कर रहा है। इस बात को लेकर हमको आगे जाना है। और जो दूसरा बात है ये सांप्रदायिकता, ये हमारा यूनिटी को खत्म कर रहा है। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा देश का संस्कार है इसको डिस्ट्रॉय करने में सब लगे हैं। ये तो बीजेपी और यहाँ पर टीएमसी दोनों ही सेम है जो है कि मुद्दा का उधर और उधर, दूसरे में और कोई फर्क नहीं है क्योंकि कोई इमाम भाका देने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कोई कुवैत भाका। बात यही है कि कोई मुस्लिम के लिए कोई हिंदू के लिए, लेकिन कोई जो हमारा एम्प्लॉयमेंट इसके बारे में सोच नहीं रहे। तो हमारा ये तीसरा मुद्दा भी है, एम्प्लॉयमेंट सबसे जरूरत है।
और जो एम्प्लॉयमेंट क्योंकि क्यों ये नहीं देता, क्योंकि इसको कैडर चाहिए, कोई अच्छा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। अगर डेवलपमेंट चाहिए होता था तो एम्प्लॉयमेंट सबसे इसका प्रायोरिटी होता था, ना तो कोई फ्री में बांटने का। लेकिन इनका फ्री में बांटने का, तो इसी के खिलाफ हमको ये भी आवाज उठाना है। तो आज ये तीन मुद्दा मैं बोल सकता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जो एक है कि भ्रष्टाचार, दूसरा है सांप्रदायिकता, तीसरा है ये अनएम्प्लॉयमेंट, जो आज वेस्ट बैंक के ऊपर जबरदस्त स्पीच इसी के ऊपर में मेरा 289 बूथ है वोटर, उसी के सामने में। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? सौरभ जी आवाज आ रही है? जी, अभी जैसे मुझे अभी भी जैसे बाहर जाना पड़ेगा सबसे, थोड़ा सा मीटिंग भी है अभी बाहर पे, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि आपसे बात करके मैं जाऊंगा बाहर। अच्छा, तो एक बस तरुण जी से बात कर लेते हैं, इसके बाद एक राउंड में फिर आपसे बात करूँ तो फिर आप निकल जाइएगा। तरुण जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो तरुण जी आप कहाँ से आप कैंडिडेट हैं? मैं तो कोलकाता ही हूँ। अच्छा, तो किन एजेंडों के साथ आप हैं चुनाव में जो है, फिर बताइए। किन एजेंडों के साथ क्या आप रूपरेखा है चुनाव की आपकी जो है? बंगाल का जो एजेंडा है अभी देखिए, पहला हम लोग तो ऐसी तय किया था कि पूरा हम लोग तृणमूल का खिलाफ, भाजपा का खिलाफ जीतने के लिए लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो गुरुजी है संदीप भाई और सेंट्रल कमेटी से बहुत सारा आदमी, फिर गुड्डी गुड्डी जो जनता पत्रिका मैगजीन एडिटर है, जीजी पारिक का जो असिस्टेंट है, सब मिल के बोल रहा है कि तृणमूल का खिलाफ एक भी बात मत करो। उस टाइम हमारा मन टूट गया, क्योंकि तृणमूल भी नीचे स्तर में गुंडागर्दी किया और भाजपा आ रहा है, भाजपा आ रहा है, मतलब वो लोग सब मिलके ही बोला है जो भाजपा का खिलाफ ही मुद्दा उठाओ। तो भाजपा का खिलाफ देश भर जो मुद्दा है, हमारा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, माओइस्ट का एक ही एजेंडा है जो साम्राज्यवाद एंड एकचेटिया पूंजीवाद, मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म को खिलाफ लड़ना है। तो हमारा मेन एनिमी है भाजपा। और बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम का कारण नहीं हो रहा है। बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो आमफून का टाइम या एक भयानक तूफान हुआ था आमफून, उसका टाइम हजारों करोड़ रुपया तृणमूल का नीचू कैडर लोग खा लिया, चोरी चमारी किया, गुंडागर्दी किया, तोलाबाजी किया, हुसूली किया। इसलिए जो जो आदमी को तृणमूल का कैडर लोग पिटाई किया, जैसे पंचायत निर्वाचन होने नहीं दिया, वो आदमी जिंदगी में तृणमूल को वोट नहीं देगा, वो सब गुस्सा में भाजपा को वोट देगा। एक्चुअली भाजपा को जो वोट मिल रहा है बंगाल में वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट मिल रहा है। ऐसी नहीं है बंगाल कम्युनल हो गया, बंगाल भाजपा को वेलकम कर रहा है। एक्चुअली सीपीएम का लीडर लोग घर में घुस गया, सीपीएम का लीडर लोग को मालूम ही नहीं है नीचे अभी भी लाल झंडा का हजारों करोड़ों आदमी है, और भाजपा लोग उसमें जाके 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 वो लोग को ये कन्विंस किया कि हम लोग लड़ सकता है तृणमूल का खिलाफ, आपका लीडर लोग लड़ नहीं पाएगा। तो सीपीएम का आदमी लोग ही भाजपा को आगे बढ़ा रहा है, ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकल है। तो हमारा आदमी लोग जहां जहां खड़ा होगा, अभी 500 करोड़ रुपया प्रशांत किशोर को दे रहा है ममता बनर्जी, वो अगर थोड़ा बहुत पैसा हम लोग को दे दे, हम लोग भाजपा का खिलाफ इतना आवाज उठा सकता है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जो भाजपा को मिलने वाला है वो हमारा झोली में थोड़ा बहुत आ जाए, थोड़ा बहुत हमारा झोली में आ जाए, तो ऑटोमेटिकली हर प्रांत से तृणमूल कांग्रेस जीत जाएगा हर प्रांत से। ऐसी नहीं है तृणमूल कांग्रेस को जिताने के लिए हम लोग को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। हमारा एक ही रोल होगा एज पर डिक्टेड बाई संदीप पांडे, जे हम लोग भाजपा का खिलाफ पूरा पूरा दम से प्रोपागंडा करे, तृणमूल का बात 99.9% भाजपा का खिलाफ कहे,
0.01 थोड़ा बहुत बोलना चाहिए क्योंकि हम अलग पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारा आदमी पर्सनली फोन करके बोल रहे हैं आप लोग पूरा टीम लेके तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट कर दो। देखिए ये सब एनजीओ मार का बात है, हम लोग अलग आइडेंटिटी से सोशलिस्ट पार्टी कर रहा है, हम लोग एक्चुअली सुभाषवादी है। हमारा एक नेत्री था लीला राय जो सुभाष चंद्र बोस का राइट हैंड थे, लीला राय भी सोशलिस्ट पार्टी में ज्वाइन कर गया था सुभाषवादी फॉरवर्ड बॉक्स। तो जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय भावधारा से सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का बात किया, भगत सिंह का पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, हमारा विवेकानंद जो पहले बोला भारत में पहले बोला कि आई एम ए सोशलिस्ट बिकॉज हाफ लोफ ऑफ ब्रेड इज बेटर देन नथिंग। अभी बात है हम पूरा टीम लेके 200-300 जो आदमी इकट्ठा किया इतना साल से मेहनत करके, क्योंकि हमारा पास पैसा नहीं है, हमारा पास बिरयानी का पैकेट नहीं है, हमारा पास बॉडी सीना फुला के रास्ता में ताकत दिखाने का ताकत भी नहीं है, हमारा पास एक भी काम करने का CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन अगर 500 रुपया का जाएगा में 5,000 रुपया बिल भेज दे उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारा पास ताकत नहीं है। इसी हालत में हमारा पास, क्योंकि यूटिलिटी भी प्रैक्टिकली यूटिलिटी भी एक चीज होता है, तो यूटिलिटी नहीं है तो पार्टी कितना आगे जितना आगे बढ़ सकता है। पहले हम लोग तो 30 केंद्रों से 30 केंद्रों में कैंडिडेट चुना था जो 30 केंद्रों में लड़ाएगा, लेकिन हमारा सेंट्रल कमिटी बोला, सब मिलके बोला जी इतना मत लड़ाओ, थोड़ा बहुत लड़ाओ, तो थोड़ा बहुत लड़ा रहा है। लेकिन भाजपा का खिलाफ हम लोग कहेगा उसमें 1,000-1,500 वोट मिलेगा, वो पूरा भाजपा का ही वोट मिलेगा। हम लोग, मैं तो पर्सनली भाजपा का खिलाफ बात करने के लिए जो लोग हमारा एरिया में, तो 1,00,000 लोग आदमी लोग मेरे को पहचानता है, जो जो आया है सब देखा है, मेरे को हर आदमी पहचानता है, लेकिन वोट मेरे को देता नहीं क्योंकि मेरा पास स्कॉर्पियो नहीं है, मैं चल के घूमता है, भिखारी जैसा घूमता है। तो आम आदमी का भी एक स्वभाव है, जिसका पास पैसा है ताकत है उसको ही वोट दे, और बाकी वोट वो लोग सोचता है जो लॉस हो जाएगा, वोट नष्ट हो जाएगा, वोट नष्ट हो जाएगा। तो कुछ भी हो, तो हमारा, मैं तो पहचानता हूँ मेरा एरिया का आदमी लोग को, कौन कौन आदमी को तृणमूल आदमी लोग पिटाई किया, उसको पकड़ रहा है जो वोट मेरे को दे दे, भाजपा को मत दे। हाँ, मेरा एरिया में मैं क्या कहूँ। फिर यहाँ का जो मिनिस्टर है जिसका खिलाफ नहीं, मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ वोट में, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो साधन पांडे है, यहाँ का MLA भी है, मिनिस्टर भी है, संदीप जी का साथ उसको बैठा दिया, संदीप जी उसको बोला जो सब मिलजुल के ही बोला जो उनका खिलाफ हम लोग कुछ नहीं करेगा। तो ऐसी हालत में थोड़ा बहुत ही वोट मिलना है, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, भाजपा का वोट है, उसको ही हम लोग कन्विंस करते 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 हम लोग हमारा झूली में ले लेगा। ये हमारा सिद्धांत है, सेंट्रल कमिटी का भी सिद्धांत है, बंगाल में हम लोग का भी सिद्धांत है। लेकिन बात ये हो रहा है, कोई कोई क्षेत्र से ये बात आ रहा है, अगर ये, मेरे को इतना टेक्निकली नॉलेज नहीं है, ये अगर रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छा है, कि पूरा टीम लेकर तृणमूल का पीछे जाओ। अगर पूरा टीम लेके तृणमूल का पीछे जाएगा तो हमारा कैडर लोग को पहले बिरयानी का पैकेट मिलेगा, फिर थोड़ा बहुत तोलाबाजी का दारू का पैसा मिलेगा, फिर पूरा टीम ही तृणमूल बन जाएगा, फिर मेरे को भी मोटी रकम मिलेगा, धीरे धीरे मेरा भी कैरेक्टर चेंज हो सकता है। तो ऐसी सलाह, ऐसी एडवाइस अगर कोई दे तो गलत एडवाइस है। हम लोग सेल्फ आइडेंटिटी लेके लड़ रहा है, भाजपा के खिलाफ ही प्रचार करेगा, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट ही मिलने वाला है, ऐसी नहीं तृणमूल को हम लोग हरा देगा, इतना ताकत ही नहीं है। 3,00,000 वोटर के पास जाने के लिए 1-1 रुपया अगर चाहिए तो 3,00,000 रुपया चाहिए, किसका पास ताकत है। हमारा पास 10-20,000 रुपया से वोट लड़ रहा है, मैं चल सकता है, पूरा विधानसभा घूम सकता है चल के, इसलिए मैं आम आदमी के पास जा सकता है। लेकिन आम आदमी मेरे को थोड़ी वोट देगा, पैसा का जोड़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, झंडा नहीं है, बैनर नहीं है, पोस्टर नहीं है, लीफलेट नहीं है, चलने के लिए गाड़ी भी नहीं है, तो ऐसी नहीं है। जो कहना है दो सवाल था सेंट्रल कमिटी का तरफ से, मेरे को सुन बोल के गया, मैं उसका ही आंसर दे दिया। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, सबको धन्यवाद। हाँ, सब आगे बढ़िए, अगर हो सके तो झंडा बैनर पोस्टर लिपलेट के लिए थोड़ा बहुत, अगर अगर भाजपा का खिलाफ सही सलामत करना चाहता है तो पूरा इंडिया को अपील करिए ना,
अगर 100 आदमी 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया करके बंगाल का इलेक्शन में भेजेगा तो कोलकाता में 3 करोड़ आदमी लोग रहते हैं कोलकाता में। हम लोग सेंट्रल टैबलो निकल के पूरा कोलकाता में घूम सकता है। एक मेटाडोर टाटा 407 5,000 रुपया लगेगा, 10-20 सौरभ म्यूट कर, सौरभ म्यूट कर, 10-20 वक्ता को रखेगा, 10-20 वक्ता को रखेगा तो कितना होगा, 10-20 वक्ता को रखेगा तो वो लोग खाएगा 100 रुपया करके बिरयानी खाएगा, 150 रुपया करके बिरयानी खाएगा, उसमें 1-1,500 रुपया जाएगा। लेकिन हम लोग सोशलिस्ट पार्टी का झंडा लेके पूरा कलकत्ता घूमना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत मदद सब मिलजुल के करे तो कम से कम सोशलिस्ट पार्टी बंगाल में, जो बहुत साल हमारा सीनियर लोग का लीडरशिप में थे, सीनियर लोग एक भी कैंडिडेट आज तक खड़ा नहीं कर पाया। मैं प्रेसिडेंट होने के बाद एक साल लॉकडाउन पर्व में एक साल आम आदमी को खाने के लिए, खिलाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कॉन्स्ट्रक्टिव काम पे मेरा गुजर गया। अभी इलेक्शन अचानक आ गया, हम तुरंत हमारा पुराना जो समाजवादी लीडरशिप है, बहुत सारा विधानसभा नॉर्थ बंगाल टू साउथ बंगाल, सबको मैं बोला खड़ा हो जाओ हमारे पार्टी से, सब खड़ा होने के लिए तैयार था। तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, सीपीएम का जमाने में हम लोग सिंगूर किया, नंदीग्राम किया, लालगढ़ किया, बहुत सारा आंदोलन किया, तब भी सीपीएम आदमी लोग भी पिटाई करता था, तब भी अलाउ करता था। और तृणमूल कांग्रेस का आदमी लोग जैसे माओइस्ट लीडर, यहाँ माओवादी का एक बड़ा प्रभाव था, माओइस्ट लीडर किसान जी जो दंडकारण्य से आके यहाँ बहुत बड़ा संगठन बनाया था सिंगूर पर्व में 2005। और मैं सोशलिस्ट पार्टी का, मैं मास्कट में था, वो उसका नौकरी छोड़ के मैं डॉक्टर सन्मोतनाथ घोष जो मेरा गुरुजी है उनका पीछे सोशलिस्ट पार्टी के साथ आ गया। उस टाइम सोशलिस्ट पार्टी बना नहीं, वो इंडिविजुअल सोशलिस्ट था, एक ग्रुप ग्रुप का साथ था, एक मैगजीन ग्रुप का नाम है जनता का नया समाचार। तो उसी जमाने से सिंगूर नंदीग्राम लालगढ़ होके इतना साल हो गया सोशलिस्ट पार्टी सोशलिस्ट वातावरण के साथ मैं हूँ। तो ये मैं कह सकता हूँ किसान जी भी पूरा कैडल लोग को तृणमूल का झंडा दे दिया था एक जमाने में। उसका बाद क्या हुआ, 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट में आ गया तब क्या हुआ, किसान जी मर्डर हो गया, किसान जी अकेला हो गया, उसका कैडल लोग सब तृणमूल कांग्रेस बन गया। तरुण जी, तरुण कैडल लोग को ये नहीं कह पाऊंगा जे सब तृणमूल करो, मैं तृणमूल का पीछे चला जाओ। शायद तरुण जी मेरी बात आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा है, बोलिए तरुण जी। शुक्रिया जो है। तो सौरभ जी, चूंकि आप निकलने वाले थे मीटिंग में, आपको कहीं मीटिंग में जाना था, तो सौरभ जी और क्या माने कि आपके सामने क्या चुनौतियां अभी पॉलिटिकली जो आप देखिए पॉलिटिकल चुनौती मतलब क्या, डेंजर चुनौती मतलब क्या है, डेंजर मेरा सामने क्या डेंजर आ रहा है पॉलिटिकली। पूछा था सॉरी, ये तो आप भी बताइए क्या सामने। देखिए सामने तो भाजपा है, आरएसएस का डंडा है, बैपम जो स्कैम हुआ था पूरा देश में, स्पेशली मध्य प्रदेश में वो जो स्कैम हुआ था उसका डेंजर सामने है। फिर तृणमूल का आदमी लोग भी धोआ तुलसी पता नहीं है, वो लोग भी शारदा केलेंकारी जैसा बड़ा केलेंकारी किया है जिसमें 40,000 करोड़ रुपया वो लोग खा लिया, और बैपम केलेंकारी में कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपया का केलेंकारी हुआ। दोनों शिवराज सिंह चौहान ना, दोनों मिलके एक ही है, दीदी मोदी भाई भाई। लेकिन हम लोग का मजबूरी से हम लोग को तृणमूल कांग्रेस का पीछे घुमा के जाना पड़ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली दीदी और मोदी बहुत दिन सेटिंग करके ही बंगाल में भाजपा को लेके आया। भाजपा को ममता को कौन बोला ये रोजा करने के लिए, हिजाब पढ़ने के लिए रास्ता में उतर के एक स्टेट धर्म पालन करने का कोई जरूरत नहीं है ना, इमाम भाता देने के लिए? तो ये सब किया ममता नहीं,
करके भाजपा को लेके आया। अभी बोल रहे हैं मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। ममता का साथ सीपीआईएमएल लिबरेशन, सीपीआईएमएल का हर एक ग्रुप का सेटिंग हो गया, सब भाजपा का खिलाफ ही कहेगा। तो सब जब एक सनद रखा था, 21 का सनद, 21 का सनद, वो सम्मेलन में मैं भी गया था, तो लाइन मेरे को भी मालूम है। ये एक चेटिया मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का खिलाफ बात करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का पास भी कोई लाइन नहीं है, क्योंकि हम लोग विकल्प तो नहीं है। हम लोग अगर बहुत ताकत लगा के लड़े, 5-10 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नोटा का वोट जो किसी में किसी को नहीं देगा, वो नोटा का वोट ही हम लोग को मिलता है। ये बात सही है, लेकिन हमारा विधानसभा में मेरा थोड़ा बहुत संगठन है, संगठन बचाने के लिए तो हमको खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा आदमी लोग को भी तो एक मोबिलिटी देना है। वो लोग लड़ेगा, वो लोग चलेगा, वो लोग घूमेगा, वो लोग बात करेगा, तो वो लोग को एक काम मिलता है। जैसा नक्सल आदमी लोग, माओवादी आदमी लोग, जैसे प्रो नक्सल आदमी लोग सब मिलके 3 संगठन बनाया, मंच बनाया, एक नो वोट टू आरएसएस बीजेपी ये लोग बनाया, एक फैसीवाद विरोधी मंच माओइस्ट लोग बनाया, एक लिबरेशन बनाया, 21 सनद मतलब 21 का सनद, तीनों 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 का ही एजेंडा है भाजपा को खिलाफ लड़ने का। लेकिन सीपीआई में रजिस्टर 10 जाएगा में कैंडिडेट दे बैठा है, क्योंकि संगठन भी बचाना है ना। लिबरेशन 12 जाएगा में कैंडिडेट दे दिया, एसयूसीआई 100 जाएगा में कैंडिडेट दे दिया, अच्छा एमकेपी मजदूर क्रांति परिषद वो भी 10 जाएगा में कैंडिडेट दे दिया, और हम लोग भी 6 जाएगा में कैंडिडेट देगा। अभी सौरभ है हासन विधानसभा में, बिलाल शेख है मुरारोई में, शमसूर मिया है, मैं मानिकतोला में हूँ, और अजंता दी तो ऑलरेडी नॉमिनेशन सबमिट कर दिया, और दीपेंद्र है रायगंज से, और सौरभ है रानाघाट उत्तर पश्चिम। ये 6 कैंडिडेट हम लोग को कन्फर्म है। तरुण जी बोलिए बोलिए। हाँ यही तो बोलना है, जब भाजपा का खिलाफ हम लोग उतरना चाह रहा है, मैं जैसा पॉलिटिकल आदमी भी खामोश बैठा हूँ। सागरिका जी दो हमारा दो स्टेट कमेटी का मेंबर को लेके रायगंज विधानसभा क्षेत्र में गया प्रचार करने के लिए, और एक्सीडेंटली मैं बहुत दिन से सेवा काम के लू, जितना पैसा था पूरा खर्चा कर दिया। तो अभी पॉलिटिकली झंडा पोस्टर बैनर के लिए कुछ पैसा चाहिए, ये पूरा सेंट्रल कमिटी जितना है आदमी लोग को अपील कीजिए, ये कलकत्ता में टैबलो निकल के हम लोग भाजपा का खिलाफ जितना कह सकता है। किसान आंदोलन में भी गया था संदीप भाई के साथ, किसान आंदोलन का भी अनुभव मेरा है, सब मिलके व्यापम केलेंकारी है। हर स्टेट में जितना केलेंकारी है, मतलब स्कैम है भाजपा लोग किया, सबका अनुभव हम लोग का है। स्पेशली हम लोग कोलकाता में घूमेगा, उत्तर विधानसभा छोड़िए, वो 1500 या 2000 वोट हो जाता है, क्योंकि मेरा परिचित है, बहुत सारा मेरा कैडलिस्ट है, जो मेरे को किसी को वोट नहीं दिया, वो लोग नोटा वाला है, वोट बॉयकॉट करी है, इतना साल करता था अभी मेरे को मिलेगा। तो मैं मेरा विधानसभा में कैंडिडेट होके
कैंडिडेट होके क्या है, खुद का आइडेंटिटी रहेगा ना, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, मैं कुछ बोलेगा तो आदमी लोग सुनेगा, ऐसी बोलेगा तो आदमी लोग नहीं सुनेगा। तो इसलिए क्या है, कम से कम कैंडिडेट होके बोलेगा, सब हर हर जगह में बोलेगा, खुद का विधानसभा में नहीं, कम से कम नॉर्थ टू साउथ 100 किलोमीटर कलकत्ता है, ये 100 किलोमीटर ही बोलेगा, पूरा टैबलो निकल के बोलेगा। अगर भाजपा का खिलाफ बोलना है तो बारासात से वहाँ डायमोरा में रोड उतना बड़ा कलकत्ता है, उतना बड़ा कलकत्ता में बोलेगा, यही हमारा कहना है। इसलिए थोड़ा बहुत मदद चाहिए, सब मिलके थोड़ा बहुत मदद करने के लिए सबको अपील कीजिए, 100-200 रुपया करके सब दे देगा तो हाँ थोड़ा बहुत हाँ हो जाएगा, सब मिलजुल के करेगा तो हो जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं किसको पता नहीं चल रहा है, मेरा बात पता चल रहा है क्या? हाँ नहीं, आपकी तो आवाज आ रही है, मेरा आवाज क्लियर है ना, पंखा नहीं चल रहा है, देखिए पंखा बंद करके बैठा है। कोलकाता में आइए, कोलकाता सेंट्रल पोर्शन में आइए, आप लोग आइए, आइएगा तो हमारा ताकत बढ़ेगा। खाना रहना मेरा घर है, मेरा साथी लोग का घर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग सब मिल के आइए। वी आर इनवाइटिंग यू टू डू मूवमेंट अगेंस्ट बीजेपी आरएसएस एंड फंडामेंटलिस्ट फोर्स, आप लोग आइए कम से कम एक बार कलकत्ता में आइए, खुद का पैसा से आइए, लेकिन खाना रहना मेरा तरफ से, अगर वेज खाना होगा वेज खाना अरेंज होगा, अगर नॉन वेज होगा तो नॉन वेज अरेंज होगा, नो प्रॉब्लम, कम से कम आइए, सेंट्रली हम लोग मूव करता है, हमारा एनी टाइम 10-10 मेरा 10 जूनियर दोस्त है, आप लोग भी 10-20 आदमी आइए बाहर से। प्रवीण जी आप कुछ बात रखना चाहेंगे? जी मैं तो सुन रहा हूं और थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि वहां पे इलेक्शन लड़ने कितना मुश्किल है, इतने कम साधनों में इलेक्शन हमारे साथी लड़ रहे हैं वहां, तो उन्होंने अपनी बात रखी है, जो अपने और साथी इलेक्शन वहां से लड़ रहे हैं उनसे भी थोड़ी बात हो पाती तो अच्छा था। जी राजीव जी, हेलो 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 राजीव जी, आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। सौरभ तोर कथा सुनते चाहिए, तुम कुछ बोल। राजीव जी बोलिए। हेलो आवाज मेरी शायद नहीं पहुंच रही है। हेलो हेलो कुछ डिस्टरबेंस के साथ लेकिन आ रही है आपकी आवाज। हेलो डिस्टरबेंस के साथ आवाज आ रही है आपकी, लेकिन बोलें। हेलो बोलिए बोलिए। हेलो सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं, बोल। हाँ तरुणदा के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो जो इसने किया है, और अभी अगर हम सिर्फ एक ही मुद्दा लेके कि इसके खिलाफ हमको लड़ना है और उसको सपोर्ट देना है, ये बात तो
क्योंकि जैसे आज यहाँ का कंडीशन ऐसा है कि दोनों पार्टी दोनों दलों को तो ये मेरा हिसाब से सही टाइम है कि खड़ा होने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। अगर इस टाइम पे चुनाव लड़ा जाएगा तो कोई दोनों के खिलाफ आवाज उठाया जाएगा, क्योंकि दोनों ने क्रप्टेड है, भ्रष्टाचार किया है। जो अभी अगर हम सिर्फ ये बात करें कि जैसे जैसे सुन रहा हूँ कि अगर ये बात बोले कि नो वोट टू बीजेपी, तो शायद हमको भी कोई वोट नहीं देने वाला है, क्योंकि उसको पता ऐसा लगेगा कि हम टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, टीएमसी को हम मदद दे रहे हैं, हम टीएमसी का बी पार्ट है। यही बात हमारे खिलाफ भी आएगा और जो हमारे पार्टी के लिए भी शायद ठीक नहीं है। ये मेरा सजेशन है, मेरा ओपिनियन है। हेलो जी, आप सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। हेलो, हाँ सही कर रहे हैं आपके साथ तो। हाँ हाँ, तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, इन ब्रीफ मैं शॉर्ट में यही बोलना चाहता हूँ। और मैंने कि इधर आप कहाँ, अभी आप कहाँ मीटिंग है, कहाँ जा रहे हैं आप? हेलो, हेलो सौरभ जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। करने देखिए, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं सुन पा रहा हूं मैं। मेरी भाई हेलो 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 हेलो। हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, सुना आपने? अभी 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 कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। आई कांट हियर एनीथिंग, देयर सम डिस्टर्बेंस। हाँ ये नेटवर्क का I'm contesting this assembly election by the banner of Socialist Party of India. And I would like to say something about the political system of India, that
say that we till date we can't see any change by any political party, and we are fed up. Actually, our people are fed up to see this, because you see, this is a parliamentary democratic system, and there are so many political parties who ruled our country for long. And we have seen that TMC is here for 10 years, and before that, BAM Front, that is the CPIM collaborated party, they were in West Bengal for 34 years. And we see this Congress before that. But we see, we can't see any major changes. And the ordinary people is in the dark. And they're thinking of a new day, a new morning, a new political party. So that we have decided to join in Socialist Party of India to do some good for our state, for our country. And we believe that we know that the great socialist was and is also actually Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh. We know that they both believed in socialism, and socialism is the only way to improve our society. Actually, there is corruption is everywhere, unemployment is everywhere. There is no opportunity for the unemployed youth. If we try to solve this, want to solve this, we must find a new party. And I say that this is a better opportunity to be a part of Socialist Party of India. But we need some money, we need power. And you see that politics is sell and power and today. So we don't have much money. We don't have politically strong. We know we are not in a position. And you see that we don't have much manpower with us. So we are fighting. And we are fighting, though we are fighting our fight for this political agenda. And we see that the Socialist Party of India must help us to overcome this and to establish the party in West Bengal. Thank you. Rajiv ji. Hello, Sunai ji. हाँ आवाज बोलिए आपकी आ रही है मेरी आवाज आपको सुनाई देने की नहीं दे रही है हेलो हेलो यूसी कैन यू हियर मी हेलो आपकी आवाज आ रही है अजंता जी आपकी आवाज आ रही है आप बोलें आ रही है क्या ओके आपकी आवाज आ रही है ओके यूसी आ रही है ना आई अजंता सरकार आई एम कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन from assembly election from West Bengal by the party of Socialist Party of India. We believe in socialism, and we say that I'm the founder of Indian Volunteers, and we believe the ideas of Netaji Subhash Chandra Bose and our other Shaheeds, and especially Bhagat Singh. And you see, today is his hanged day. He was hanged to death on that very day. So we especially pay our tribute to this murder. And this is the socialism that is advocated by Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh. And we see that this is the best way and the best path to overcome or all the situation we are facing this nowadays in India and our state also. And there are so many corruptions here, and everywhere in corruption, everywhere is unemployment. And you see that there is no strong administrative system is here. All are governed by this age-old British policy. And we must overcome this by the social, by the way of socialism. And if our party, Socialist Party of India, I join this party, and I must improve our condition. And I
to overcome the situation because we have no money, no power, and power also. हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है। एक्चुअली दिस इज एंड प्रॉब्लम, यू सी सम ऑफ द बट्स, कैन यू हियर मी? यू सी क्या बेना? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 अजंता जी, या प्लीज मैं रिपीट, मैं आई आस्क सम पीपल ना होगा। ओके सो यू कैन से जी, बोलिए बोलिए। इट्स दैट आई एम वेरी स्ट्रांग इन हिंदी, ओके? सो आई एम ट्राइंग टू स्पीक। हेलो 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 हेलो, we are getting your voice. Sound clear hai? Sound clear hai? No, it is not clear. Sound clear hai? You can, yes. Bole bole bole. Yes, please go ahead. Clear? Oh, okay okay. So main socialist party of india ka candidate hu. Main west bengal aane wali jo chunav hai 2021 usme lad rahi hu. Main socialism mein vishwas karta hu and hum log jante hai socialism is the only way samajvad jo hamara bharat varsh wo aur hamara state, hamara har state jo samasya mein, jo problem mein abhi jhel rahe hai, उसका ऑन सोशलिज्म में भी होगा। हम लोग जानते हैं हमारा जो महान नेता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो शहीद है वो लोग भी सोशलिज्म में बस किया और वो लोग आगे बढ़ाया हमारा जो आंदोलन चल रहा था ब्रिटिश के खिलाफ और हमका अंत में स्वाधीनता मिला। तो हमको यही बताना चाहिए, यही बात। इसीलिए मैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। तो हमारा हमको पार्टी का प्रेसिडेंट के पास क्या हमारा पास कुछ नहीं है, कुछ है उससे हम लोग लड़ा है, उसका ध्यान में दे और ये पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमको मदद करे। तो हम लोग ये नया पार्टी है वेस्ट बंगाल में, अभी डिस्ट्रिक्ट में तो ये नहीं था, तो इसके आगे बढ़ाने के लिए तो हमको मदद करे, यही बोलने के लिए हम थैंक यू करके हम करते हैं। राजीव भाई कुछ और इसको नहीं ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का तो बहुत इशू है, पता नहीं मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। हाँ, नेटवर्क का बहुत इशू रहा जो है, बातचीत में बहुत मुश्किल रहा जो है। तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जो है, हम लोग और साथियों से साथी लोग दो सभी साथियों ने बात भी रखी, तीन साथियों ने रखी है, अभी तीन साथी और छह कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। तो हम लोग इसको समाप्त कर सकते हैं, इस वार्ता को जो है।
अजंता जी आपके साथ कितने वॉलेंटियर्स हैं वहाँ? हाँ, मेरा साथ जो वॉलेंटियर्स हमको है, हमारा तो इंडियन वॉलेंटियर्स है ना, उसमें तो 10-12 तक है, और जो है वो सब फेसबुक है, जो ऑनलाइन पे है। हाँ, वो लोग रास्ता पे जो है जो स्पीड का डीलिंग होता है, स्पीड पे हम लोग आते हैं। 10-12 है। हेलो हेलो हेलो, सुनाई दिया क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये जो हम लोग जो शुरू किए ना, मैं तो स्टार्ट कर दिए तो इंडियन वॉलंटियर्स टू मेक अ न्यू इंडिया बाय द आइडियाज ऑफ नया भारत गठन करने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वो जो अलग सा जो शहीद है उसका जो आइडियाज है उसके उससे नया भारत बनाने का एक इरादा, एक सपना मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास रहेगा। इसके लिए मैं तो स्टार्ट कर दिया और बहुत सारा लोग हमारा इधर कैंपेन में साइन अच्छे है, साइन करता है, ऑनलाइन भी चल रहा है। तो ये तो मेरा सपना है, ये सपना के साकार करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो इरादा है। आप लोग जानते ही होंगे ये पॉलिटिक्स, ये एवरी सेक्टर हमारा इंडिया में जो है पॉलिटिक्स बिना कुछ नहीं चलता है, हम लोग जानते हैं पॉलिटिक्स बिना कुछ नहीं चलता नहीं है। तो इसका सही तरीके से हम लोगों को पास आता नहीं पॉलिटिक्स, तो इसीलिए सोशलिज्म मैंने सोचा कि सोशलिज्म ऐसा ही एक दवाई है जो इसमें सब कुछ इंडिया का कुछ चेंज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम लोगों को मदद चाहिए, हम लोगों को पास में एडवाइस चाहिए और मनीटरी और सब कुछ होने से हम लोग पूरा फाइनेंशियल पूरा ताकत में लड़ेंगे। और सोशलिस्ट पार्टी या जो एक ही पार्टी है जिसने जिसका नाम पे पहचानते हैं वो बहुत सारे पार्टी से आता है। सभी राजनीतिक पार्टी का एक ही धंधा है, एक ही मुद्दा है, कैसे वोट कैसे कैसे वोट का फायदा करके चुनाव को जीते, कैसे चुनाव का फायदा लड़के उसका कुछ होगा। तो ये है चाहने का राजनीति, चाहने का पॉलिटिक्स। हम लोग सैक्रिफाइस में विश्वास करता हूँ, सैक्रिफाइस कुछ नहीं होगा। हम लोग सैक्रिफाइस करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है, हम लोगों को मदद चाहिए, थोड़ा बहुत मदद होना चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ऐसा ही हमको बोलना है। नमस्ते नमस्ते राजीव जी, नमस्ते श्रीवास्तव जी, नमस्ते चरण जी, और जो मेरा साथियों है सबको शुभेच्छा और नमस्ते करते हैं। जी नमस्ते ठीक है जी जी नमस्ते, अंत किया जाए ना राजीव भाई, ठीक है।